नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम लखवाल स्मरण कार्यक्रम में फिर हाजिर हूँ। लब पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, वह माँ है जो कभी खफा नहीं होती। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। फरिश्ते आकर उनके जिस्म पे खुशबू लगाते हैं, जो बच्चे रेल के डिब्बों में झाड़ू लगाते हैं। जैसे मकबूल शेरों और लफ्ज़ों की जादूगरी बुलंद आवाज़ से अपने चाहने वालों को रोमांचित करने वाले शायर मुनव्वर राना के जन्मदिन पर आज आपके पसंदीदा न्यूज चैनल SW24 के लिए मैं प्रीतम लखवाल लेकर आया हूँ खास पेशकश। प्रख्यात शायर मुनव्वर राना का जन्म 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ। वे उर्दू भाषा के साहित्यकार हैं। राना रचित एक कविता शहाद दावा के लिए उन्हें वर्ष 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय उनके नजदीक के बहुत से रिश्तेदार और पारिवारिक सदस्य देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए, लेकिन सांप्रदायिक तनाव के बावजूद मुनव्वर राना के पिता ने अपने देश में रहने को ही अपना कर्तव्य माना। मुनव्वर राना की शुरुआती शिक्षा दीक्षा कोलकाता में हुई। राना ने गजलों के अलावा संस्मरण भी लिखे हैं। वर्तमान में वे लखनऊ में रहते हैं। उनके लेखन की लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी रचनाओं का उर्दू के अलावा अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। मुनव्वर राना की अब तक एक दर्जन से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें प्रमुख हैं माँ, गजल गांव, पीपल छांव, बदन सराय, नीम के फूल, सब उसके लिए, घर अकेला हो गया, कहो जिल्ले इलाही से, बगैर नक्शे का मकान, फिर कबीर, नए मौसम के फूल। इनकी लोकप्रियता देश और विदेश में समान रूप से है। इनकी लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि इनकी रचनाएं कई भाषाओं में अनुवाद करके प्रकाशित की गई हैं। मुनव्वर राना को अपनी बेहतरीन रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। विभाजन की उथल पुथल ने उनके पिता से जमींदारी को छीन लिया। इसके बाद उनके पिता ने जीवन निर्वाह करने के लिए परिवहन कार्य का व्यवसाय शुरू किया। मुनव्वर राना अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं और अपनी शायरियों में माँ के प्रेम को प्रकट करते हैं। मुनव्वर राना जब लखनऊ गए तो वहाँ के स्वाद ने उन्हें इतना मोहित कर दिया कि लखनऊ उनका पसंदीदा शहर बन गया। जब मुनव्वर राना लखनऊ में थे तब उनकी मुलाकात प्रसिद्ध गजल शायर वली असी से हुई। उन्होंने वली असी के परामर्श पर कविता लिखना शुरू किया। इसके चलते मुनव्वर राना ने अपने कविता कौशल का श्रेय वली असी को दिया। मुनव्वर ने पहली बार दिल्ली में एक मुशायरे में अपनी नज्मों को गाया। वह हिंदी और अवधी भाषा के शब्दों के प्रयोग से अपने नज्मों में संवेदनशील मुद्दों को चित्रित करने के लिए जाने जाते हैं। राणा को कई पुरस्कार और सम्मान से भी नवाजा गया है, जिसमें 2006 में इटावा के अमीर खुसरो अवार्ड कविता का कबीर सम्मान, 2005 में इंदौर में मीर तकी मीर अवार्ड, कोलकाता का सहूद आलम आफ कोई अवार्ड, उदयपुर का गालिब अवार्ड, नई दिल्ली का जाकिर हुसैन अवार्ड, 2004 में सरस्वती सम्मान अवार्ड, 2001 में वेस्ट बंगाल उर्दू अकादमी की ओर से मौलाना अब्दुल रज्जाक मलिहादाबादी अवार्ड, सलीम जाफरी अवार्ड आदि अनेकों अवार्ड उनके घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। उस्ताद बिस्मिल्ला खान अवार्ड भी मुनव्वर राणा को हासिल हुआ है। मुनव्वर राणा का बचपन कोलकाता में बीता और वहीं उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। मुनव्वर राणा जब भी मुशायरों में अपनी नज्म गज़ल पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो उनके चाहने वाले सुनने वाले उनके हर शेर पर खूब दाद देते हैं। मुनव्वर राणा की कविताओं की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वह अपने नज्मों में माँ का सम्मान करते हैं, जिसकी झलक इस प्रकार है। मैंने रोते हुए पोछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने धोया नहीं दुपट्टा अपना, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी और घर में उजाला हो गया। इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है माँ, बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब भी घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। तो दोस्तों, मुनव्वर राना पर ये थी हमारी विशेष पेशकश। मैं फिर हाजिर होता हूँ नए कार्यक्रम के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।